गलतियों के लिए माफी मांगने का मेरा तरीका ठीक नहीं था। मैं माफी भी ऐसे मांग रहा था जैसे किसी पर कोई एहसान कर रहा हूं। माफी पाना मेरा हक है और माफ करना तुम्हारा फर्ज। मुझे इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था और मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। माफी मांगते वक्त मैं तुम्हें कितना हर्ट कर रहा हूं। तुम्हारा कितना दिल दुखा रहा। खैर जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज मैं तुम्हें इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। अब मैं तुम्हारे रास्ते में ना हूं। अब जब जिंदगी में तुमने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है तो ऐसे में जो बीत चुका है उसकी याद ना दिलाऊं तुम्हें। अच्छा होता कि मैं मुंबई वापस चला जाता, ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। यहां रुकना पड़ा मुझे अपनी ही गलती के कारण। हाँ लेकिन एक बात तो है, सच में बहुत लकी हो तुम कि तुम्हें शिव जैसा जीवन साथी मिला। वो कहते हैं ना, जब अपने पास होते हैं तो हमें उनकी कदर नहीं होती। आनंदी को मैंने अपनी गलतियों की वजह से खो दिया। और खोने के बाद मुझे पता चला कि क्या कर दिया मैंने। लेकिन शिव, तुम मुझसे कहीं ज्यादा समझदार हो। जो नादानियां मैंने की हैं वो तुम कभी नहीं करोगे। जो कुछ भी हो जाए तुम आनंदी का साथ नहीं छोड़ोगे। आज मुझे इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं है, कोई शक नहीं है कि तुम्हें आनंदी जैसी लड़की पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। एक मिनट, भीम सिंह, मैं आपको हॉस्पिटल छुड़वा देता हूं। नहीं शिव, इट्स ओके, आई एम फाइन। यस सर। ड्राइवर से कहकर इन्हें हॉस्पिटल छुड़वा दो। नहीं शिव, आई मैनेज, मैं चला जाऊंगा। तकलीफ में हो, देख सकता हूं। सर लेकिन ड्राइवर तो आज ड्यूटी पर आया ही नहीं है। एक्चुअली उसे बहुत तेज बुखार हो गया है। बुखार का तो मानो जैसे मौसम ही चल रहा है। तो तुम छोड़ दो। ओके सर। शिव,
तुम तकलीफ क्यों कर रहे हो मेरे लिए? I'll manage, I'll go. नहीं, you're still weak. Thank God कि तुम्हें चोटें कम लगी हैं. पर एक बार हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लो, शायद कोई इंटरनल इंजरीज हो तो. Sure. Thanks. एक्सीडेंट्स अचानक होते हैं, मगर कुछ एक्सीडेंट्स के पीछे बहुत गहरी सोच छुपी होती है मिस्टर शिवराज शेखर, और ये बात जल्दी ही तुम भी समझ जाओगे. नहीं, क्या हो गया है मीनू को? कल्याणी जी इतने प्यार से मिलने आई हमसे, और मीनू ने जगदीश का जिक्र शुरू कर दिया. क्या जरूरत थी उसकी? आलोक, आपने भी नोटिस किया है ना कि मीनू आनंदी से अभी तक घुल मिल नहीं पाई है, जबकि आशिमा से तो बहुत प्यार से बात करती थी. जब भी आशिमा इंडिया आई, उससे बहुत खुश होकर मिलती थी. फिर आनंदी से क्या प्रॉब्लम है? हीरा, हमें ये समझना चाहिए कि मीनू ने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ खोया है. वो भी बहुत हंसमुख हुआ करती थी, लेकिन जब से उसने अनूप को खोया है, उसकी जिंदगी बदल गई इन अ डिफरेंट वे. किस्मत ने आनंदी से भी उसके पहले पति को छीन लिया. हम जैसे मीनू अनूप को अभी तक भूल नहीं पाई है, उसे डर है कि आनंदी भी जगदीश को भूल नहीं पाएगी. और अगर ऐसा हुआ तो शिव का क्या होगा? मीनू को इस बात की चिंता है कि आनंदी की अतीत की परछाई कहीं शिव की जिंदगी और उसके फ्यूचर पर ना पड़े. वो कहावत है ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है. वही हालत मीनू की है. और तुम तो जानती हो कि वो शिव को लेकर कितनी प्रोटेक्टिव रहती है. उसने शिव को आर्मी ज्वाइन नहीं करने दी इस डर से कि कहीं शिव के साथ भी वो ना हो. जनूब के साथ हुआ था. करणी माता के मंदिर के इंसिडेंट के बाद मैंने देखा कि आनंदी और मीनू उन दोनों को इस बात से तकलीफ हुई कि किसी ने शिव के बारे में उल्टा सीधा कहा, किसी ने उसे बदनाम करने की कोशिश की.
आई रियलाइज कि एक बात है जो इन दोनों में कॉमन है कि वो दोनों शिव का बहुत ख्याल रखती हैं और यही बात एक दिन उनके मन की कड़वाहट को दूर कर देंगी। तुम देखना जिस दिन मीनू ने आनंदी को अपना लिया आनंदी को मीनू से ज्यादा प्यार करने वाला और कोई नहीं होगा। काश वो दिन जल्दी आ जाए आनंदी अपने स्वभाव से मीनू का दिल जीत ले। सर मैंने उन्हें हॉस्पिटल छोड़ दिया है। भीम सिंह आप जगदीश को अस्पताल के अंदर तक छोड़ा है ना? जी आनंदी जी हॉस्पिटल के मेन डोर तक सहारा देकर मैं ही उन्हें ले गया। ज्यादा मतलब जगदीश ठीक तो थे ना? ज्यादा दर्द या कुछ तो नहीं था? दर्द तो था लेकिन ठीक ही थे वो। सर एनीथिंग एल्स? नो थैंक्स। अब मुझे भी निकलना चाहिए स्कूल जाना है। मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नहीं खुद चली जाऊंगी मैं। थैंक यू। मैं माफी ऐसे मांग रहा था जैसे किसी पर कोई एहसान कर रहा हूँ। मुझे इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। आज मुझे इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं है कोई शक नहीं है कि तुम्हें आनंदी जैसी लड़की पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। जगिया तुम ठीक हो ना? जगिया कर दिया मैंने। सतीश ठीक तो थे ना? जी जी वो स्कूल के लिए सामान लाना था ना बाजार से इसलिए थोड़ी देर हो गई। गुल्ली तो क्लास संभाल ले मुझे जाना है कहीं। ठीक है। छह चौक चौबीस। यस सर।
मैं जा रहा हूं, कैबिन लॉक कर देना। ये सब क्या हो रहा है देवी माँ? क्या कोई संकेत दे रही हैं आप जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ? मन से दिमाग से आज़ाद होने की जगह अपनी उलझनों में और उलझती जा रही हूँ। क्यों? मुझे इन सारी उलझनों से निकलने की राह सुझाओ ना माँ। ऐसे इंसान के करीब आया हूं जिसे परेशानी के वक्त में मां के मंदिर आकर शांति मिलती है, उसी से आदत लगी है, सो आ गया। इसका मतलब परेशान है आप? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे इन दिनों मैं भी एक ऐसे इंसान को जानने लगी जो मेरे बिना कुछ कहे मेरे दिमाग में चल रही हर बात का पता लगा लेते हैं। बस उन्हीं से आदत पड़ गई है। अब मैं भी लोगों का चेहरा देखकर थोड़ा बहुत तो समझने लगी हूँ। तो बता दीजिए, क्यों परेशान हैं आप? आनंदी जी, देखिए प्लीज मुझे गलत मत समझिए, लेकिन अगर एक मिनट के लिए भी आपको ऐसा लग रहा है कि काश सब कुछ बदल जाए, वक्त यू टर्न लेकर वापस पीछे चला जाए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका अतीत आपको पुकार रहा है और आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए, तो सोच लीजिए, क्योंकि फैसला लेने का यही समय है। मैं कुछ नहीं बदलना चाहती। मैं घड़ी की सुइयों को पीछे भी नहीं करना चाहती। हाँ, जगह के वापस जैक से आने से मैं बेचैन जरूर हूँ, पर इसलिए नहीं कि मेरे मन में उसके लिए कुछ है, बस मैं उसे तकलीफ में नहीं देखना चाहती, क्योंकि जग्या को तकलीफ में देखकर दादी साहब, बापू साहब, घर में सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। I can understand. मैं बस चाहता हूं कि आप खुश रहें। मेरे लिए बस यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। अपनी खुशी में खुलकर नहीं दिखाते, पर खुश हूं मैं। जग्या मेरा बीता हुआ कल है और आप मेरे एक बहुत अच्छे साथी, मेरे बेस्ट फ्रेंड कलेक्टर साहब, मैं आपके साथ ही अपना आने वाला कल देख रही हूँ। आनंदी जी, इस रिश्ते को लेकर मैं किसी किस्म की जल्दी में नहीं हूँ। आपके साथ जितना समय भी बिताया, जितने कदम भी हम साथ चले, वो सफर बहुत खूबसूरत रहा है। आपको याद है जब हम पहले मिले थे तो
अलावा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इनफैक्ट बहुत ही रूखे तरीके से आप मुझसे बात करती थी। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं अपने आप ही चली जाऊंगी। क्या जरूरी है कि आप हर बात पर बहस करें? मैं बहस कहाँ कर रही हूँ, मैं तो बस आपको बता रही हूँ ये पैदल जाना मुझे अच्छा लगता है। और मैं भी आपसे बस यही कह रहा था कि मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ, तो मैं आपको छोड़ दूंगा। मैं भी बस यही कह रही हूँ कि पैदल जाना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसीलिए मैं अपने आप ही चली जाऊँगी। उस दिन तो आपने खुद ही कहा था कि बहुत इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मेरे एप्लीकेशन पर तो काम शुरू भी हो गया। आप तो खुद ही अपनी पीठ थपथपाएंगे ये सोचकर कि देखो मैंने अपने पद का इस्तेमाल करके ये काम कितनी जल्दी करवा दिया। और ये आनंदी, ये बेवकूफ आनंदी समझ भी नहीं पाई कि ये उसकी मेहनत की वजह से नहीं बल्कि मेरे दबदबे की वजह से हुआ है। आपको मेरे लिए और तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। जिस तरह जी रही हूँ जीने दीजिए मुझे प्लीज। फिर धीरे धीरे हम दोस्त बने, एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे के काम को, काम करने के तरीके को, हम एक दूसरे की सोच को इज्जत देने लगे। मैं जानती हूँ कि थोड़े समय के लिए आप सबको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मैं और कलेक्टर साहब आप सबको ये वचन देते कि अगर वो आपका मिलने में सरकार की तरफ से आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो हम दोनों इस नहर का विरोध करने के लिए आप सबके साथ धरने पर बैठेंगे। और देखिए आज हम इस मोड पर आ गए हैं दैट नाउ वी आर एंगेज्ड और बहुत जल्द हमारी शादी भी हो जाएगी। आनंदी जी, इस सफर में मैंने कुछ खोया नहीं है, इनफैक्ट हर कदम पर मैंने कुछ पाया ही है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप जिस तरह अपने अतीत को भुलाने की कोशिश कर रही हैं उस कोशिश में मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूंगा। बस आपको अपने दिल और दिमाग का दरवाजा खुला रखना होगा एंड दैट विल मीन अ लॉट टू मी। सो बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसा खेला दा खावे गिच को ले पर मड़क ही ना हरी दोरो चौधरी अरे चले वो ने पंगा दी मैं कह लगे अमर गुड़ में जागी धोखड़ी चंदा में थारी कई बार ना चाहते हुए भी पुराने संबंध नए संबंधों के प्रवाह में अवरोध पैदा कर देते हैं, जिसे परस्पर विश्वास, मित्रता और धीरज से ही दूर किया जा सकता है।